नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी, सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए खबरों बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एमडी टीवी नरेंद्रन ने दिया इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी को अवार्ड। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कंबल घोटाला मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग। पूर्वी सिंहभूम जिले के बरसोल में हाथियों ने मचाया आतंक, वृद्ध महिला को लिया अपनी चपेट में। और जमशेदपुर के जुगसलाई खडगेश्वर धाम मंदिर को असामाजिक तत्वों ने बनाया निशाना, पुलिस जुटी जांच में। और अब खबरें विस्तार से, और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर में 24वां माइकल जॉन लेक्चरर गोल्ड मेडल अवार्ड इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी को टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन के हाथों दिया गया। बिस्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में टाटा वर्कर्स यूनियन के द्वारा 24वां माइकल जॉन लेक्चरर गोल्ड मेडल अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन और इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी के अलावा कई कारपोरेट जगत के लोग एवं विभिन्न ट्रेड यूनियन के नेता और कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन के हाथों जी संजीवा रेड्डी को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि जी संजीवा रेड्डी पिछले 65 वर्षों से ट्रेड यूनियन की राजनीति कर मजदूर हक की लड़ाई देश विदेश में लड़ रहे हैं। इनके द्वारा मजदूर हित में किए गए कार्य को देखते हुए इस वर्ष माइकल जॉन लेक्चरर गोल्ड मेडल अवार्ड देने का निर्णय टाटा वर्कर्स यूनियन के द्वारा लिया गया था। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी ने मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध पर विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र की सरकार के द्वारा गलत नीति के कारण कई कंपनियों में मजदूरों का भविष्य अधर में लटका है। वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा कई कंपनियों को निजीकरण किया जा रहा है, जिससे ट्रेड यूनियन के समक्ष बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। जहां एक तरफ हम देश की पहचान को विश्व के मानचित्र पर इन कर्मचारियों की मदद से ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं कंपनियों में नई टेक्नोलॉजी के कारण मैन पावर कम होता दिख रहा है। वर्तमान केंद्र सरकार लेबर हित में बनाए गए कानून में फेर बदल कर मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच में दीवार खड़ा करने की काम कर रही है, जिसे देखते हुए हिंदुस्तान के विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अब ट्रेड यूनियन के लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए केंद्र सरकार के विरुद्ध पूरे देश में जन आंदोलन करने पर विचार कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई चीज नहीं चले ऐसा कुछ करेंगे ताकि मोदी को समझ में आ जाए कि भाई हिंदुस्तान में आप जैसे चाहिए वैसा नहीं चलेगा। ये पंडित नेहरू उनके बाद के सरकारी लोग हिंदुस्तान को बनाए हैं और उसमें गरीब लोगों को ऊपर उठने का उठाने का मौका दिया गया। वो सिचुएशन को आप चेंज करके मालिकों के आपने हर चीज भेज देना चाहते हैं, वर्कर को मालिकों का गुलाम बनाना चाहते हैं, ये कभी हिंदुस्तान में हो नहीं सकता। ये बात हमारी सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं। अच्छे मालिक है, हम पसंद करते हैं, टाटा वाले हैं, अच्छे लोग हैं, हम उनको अच्छे मगर अच्छे तो है, बहुत अच्छे हैं। और इधर झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे झारक्राफ्ट में कंबल घोटाला को लेकर राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने मामले की जांच सीबीआई से कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। पिछले दिनों झारखंड के लातेहार जिला से स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद कंबल घोटाला का मामला प्रकाश में आया। इसी मामले को लेकर राज्य सरकार के द्वारा सीएनजी से पूरे मामले की जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट में कई अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। इसी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जमशेदपुर के दौरे पर आए खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि राज्य सरकार इस प्रकरण में अब मामला दर्ज कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करे। जहां एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कर रहे हैं, वैसे में इस कंबल घोटाले को लेकर राज्य सरकार विपक्ष और जनता के निशाने पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री पहल कर भ्रष्टाचार मुक्त शासन साबित करें। सीएनजी की रिपोर्ट में सखी मंडल द्वारा बनाए जाने वाले कंबल का धागा बाहर से मंगवाने की बात की गई थी, मगर जांच में धागा लातेहार जिले से लाया ही नहीं गया है। जिस तरह चारा घोटाले की शुरुआत की गई थी, उसी तर्ज पर ये घोटाला भी नजर आ रहा है, जिसमें राज्य सरकार में पदस्थापित कई बड़े अधिकारी की मिलीभगत है। राज्य सरकार अगर सीएनजी की रिपोर्ट से सहमत नहीं है तो सीबीआई से इसकी जांच कराए ताकि दोषी अधिकारियों को सजा मिल सके। देखिए, झारक्राफ्ट में
सरकार ने पैसा दिया था कि झार क्राफ्ट जो सखी मंडल बनी हैं उनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से कंबल बनवाए बंटवाए, उसके लिए धागा बाहर से मंगवाए। सीजी ने रिपोर्ट दिया और लातेहार जिला से कुछ लोगों ने शिकायत भी किया कि यहाँ तो पावर लूम है नहीं, कोई लूम नहीं है, मगर यहाँ से कंबल बन गए हैं। इस पर विकास आयुक्त ने कागजातों की जांच की और उन्होंने लिखा है कि इसकी जांच निगरानी से करानी चाहिए। और जो धागे बताए गए हैं कि लाए गए बाहर से, उसमें कई एक ट्रक हैं जो सुबह गए पानीपत, वहाँ से फिर लौट भी आए उसी दिन। ऐसा दिखाया गया है कि जिस तरह से पशुपालन घोटाले में वाहनों का इस्तेमाल हुआ था, उसी तरह का इस्तेमाल इसमें सीएजी ने बताया है कि ये हुआ है। और सरायकेला खरसावा जिले के राजनगर थाने के समीप तेज रफ्तार हाईवा ने एक युवक की जान ले ली। जी हां, बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन युवक सरायकेला की ओर जा रहे थे, तभी जमशेदपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाइक पर सवार तीन युवक सरायकेला की ओर जा रहे थे कि तभी जमशेदपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य दो युवक बुरी तरह से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं दोनों घायलों को भी सरायकेला सदर अस्पताल ले जाया गया है। मृतक युवक की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र के बड़ा खेड़ी गांव के सुनील के रूप में की गई है। इधर पुलिस द्वारा परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। अब पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा के बड़सोल थाना क्षेत्र में हाथियों का तांडव देखने को मिला। यहां हाथियों ने एक वृद्ध महिला को अपना शिकार बनाया, जिस कारण महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। घटना बुधवार सुबह की है, जब गोहला मुड़ा गांव में एक वृद्ध महिला आशालता दास को हाथियों ने अपना शिकार बनाया। बता दें कि हाथियों के झुंड ने महिला को उठाकर पटक दिया, जिससे महिला की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं इस घटना की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते मौके पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वहीं मौके पर क्षेत्र के विधायक कुणाल सारंगी पहुंचे। उन्होंने तत्काल मृतका के परिजनों को वन विभाग की तरफ से 25,000 रुपए मुआवजा दिलवाया, साथ ही साथ विधायक फंड से भी 10,000 का मुआवजा राशि प्रदान किया गया। वहीं मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वन विभाग के अनुसार मृतका के परिजनों को 4,00,000 मुआवजा राशि प्रदान किया जाएगा और पोस्टमार्टम होने के बाद ही मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हाथी के द्वारा आशालता दास जी, जिनकी उम्र लगभग 80 साल से भी ज्यादा है, जैसा गांव के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, हाथी द्वारा उन्हें उठाकर पटक देने के कारण उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हुई है। तो उसके बाद जो है कि यहां पर जो काफ़ी दिनों से हाथियों का एक झुंड है, उसको लेकर DFO से भी मैंने बात की और यहां पर कल से 6 गार्ड परमानेंटली इसी पंचायत के लिए डिप्लॉय किए जाएंगे, जिनकी जिम्मेदारी इन्हीं पंचायतों में हाथियों का मूवमेंट को ऑब्जर्व करने की होगी। उसके अलावा जो विभागीय सहायता है उसकी राशि भी इन लोगों को उपलब्ध कराई गई है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी परिवार को मदद की है, इसलिए गांव के लोगों से भी ये अनुरोध है हम लोगों का कि वो जानवर है, इसलिए उसके साथ भी हमें थोड़ा सा संजीदगी से पेश आने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और जैसे ही कोई सूचना मिले गाँव के लोग विभाग के पदाधिकारियों को खबर दें, ताकि सही समय पर कार्रवाई हो सके। और जमशेदपुर के जुगसलाई ईदगाह मैदान के नजदीक स्थित खड़गेश्वर धाम मंदिर में सोमवार देर रात असामाजिक तत्वों ने भगवान की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिससे मंदिर कमेटी के लोगों में आक्रोश देखा गया। वहीं जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी इस मामले की गहनता से जांच में जुटे हैं। स्थिति को बिगड़ता देख मंदिर परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी उक्त स्थान पर कैंप किए हुए हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात असामाजिक तत्वों द्वारा शहर के माहौल को बिगाड़ने के लिए इस तरह की साजिश रची गई थी, पर मंदिर कमेटी के सदस्यों व स्थानीय लोगों की सूझबूझ से मामले को शांत करा दिया गया। वहीं जिले के पुलिस पदाधिकारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे मंदिर परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिए हैं और जांच पड़ताल में जुट गए हैं। हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, यहाँ CCTV कैमरा लगाने का, CCTV कैमरा का भी हो गया है, स्टार्ट हो जाएगा काम। बाउंड्री का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो यहाँ स्पेशल ऑफिसर आए हुए थे वो देखे हैं, अब एस्टिमेट बनेगा, उसमें देखते हैं कि कैसे क्या कहाँ से कर सकते हैं। हम लोग मेन सुरक्षा के दृष्टिकोण से पहले CCTV और बाउंड्री का उपाय करना बहुत जरूरी है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कैसे कहाँ से। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित सदस्यों की पहली बोर्ड बैठक का आयोजन निगम कार्यालय में किया गया। इस बोर्ड बैठक की अध्यक्षता नगर निगम के मेयर विनोद श्रीवास्तव द्वारा की गई। साथ ही इस मौके पर डिप्टी मेयर अमित सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय, अभियंता कौशलेश कुमार के अलावा नवनिर्वाचित 35 वार्डों के वार्ड पार्षद मौजूद थे।
नगर निगम के इस पहली बोर्ड बैठक में कुल 15 एजेंटों पर मुहर लगी, साथ ही कई विकास योजनाओं को भी हरी झंडी दिखा दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से 14वें वित्त आयोग से स्वीकृति 6 प्रमुख सड़क निर्माण योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, साथ ही जल्द ही इन योजनाओं का टेंडर भी निकाल दिया जाएगा। नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2018 से 2019 के नए बजट को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत कुल 88,95,00,000 की बजट का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल संकट वाले वार्डों में टैंकर से जलापूर्ति किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत निगम टैंकर किराए पर लेकर वार्डों में रोस्टर प्रणाली के तहत जलापूर्ति करेगी। वहीं पूरे निगम क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले 6 जोन में बांटकर 5 वार्डों को मिलाकर सफाई की जाती थी, इसके तहत अब 7 जोन में बांटकर सफाई कार्य किए जाएंगे, जबकि प्रत्येक वार्ड में रोजाना 10 मजदूर भेजे जाएंगे। वहीं इस मौके पर मौजूद नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर ने जनता से किए गए वादों को हर हाल में पूरे किए जाने का भी दावा किया है। पहली बोर्ड की बैठक में जितना एजेंडा प्रस्तुत किया गया था उस सभी पर चर्चा की गई और सभी को यथानुसार स्वीकृति प्रदान की गई। शांतिपूर्वक बैठक हुई, सभी नए पुराने पार्षद मिलकर के सभी योजनाओं को पारित किए बिना किसी चिल्लपों के। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है नगर निगम के लिए। खास मुद्दा विकास, हम लोग विकास के मुद्दा पर ही जीत करके आए हैं कमों के सभी वार्ड पार्षद कि सभी क्षेत्र में विकास चाहिए, जल चाहिए, नल चाहिए, सफाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, उन सभी विषयों पर चर्चा हुई। प्राथमिकता तो सबसे बड़ी प्राथमिकता तो पेयजल की है जी, उस पर चर्चा की गई और उसका निर्माण के संबंध में भी विचार विमर्श हुआ। और जमशेदपुर में छात्र आजसू ने कोल्हान विश्वविद्यालय के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। पूरे कोल्हान स्तर पर गुरुवार से इनके द्वारा आंदोलन किया जाएगा और इसकी शुरुआत इनके द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति के जमशेदपुर स्थित आवास पर पोस्टर चिपका कर। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा पिछले दिनों यह फरमान जारी किया गया कि किसी भी कॉलेज में किसी पार्टी के छात्र संगठन के द्वारा कोई प्रदर्शन या धरना नहीं दिया जाएगा और इसी के खिलाफ छात्र आजसू आंदोलन करने जा रही है। इन्होंने एक पत्रकार वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इन्होंने कहा कि पहले विश्वविद्यालय प्रबंधन विभिन्न कॉलेजों में हो रहे घोटालों पर से पर्दा उठाए और ये सुनिश्चित करे कि कॉलेज में कोई घोटाला नहीं होगा। इन्होंने सिलसिलेवार तरीके से कॉलेजों में हुए घपलों की जांच की मांग को लेकर गुरुवार से आंदोलन चलाने की भी बात कही और कहा है कि कुलपति के जमशेदपुर स्थित आवास से इसकी शुरुआत की जाएगी। बीते कुछ दिन पहले कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और प्रवक्ता डॉक्टर ए.के. झा जी के द्वारा एक स्टेटमेंट अखबार के माध्यम से प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि कॉलेज में कोई पार्टी विशेष की छात्र संगठन कोई आंदोलन नहीं करेगा और कॉलेज परिसर में कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद कोई आंदोलन नहीं होगा। अगर कोल्हान विश्वविद्यालय में हिम्मत है तो ABM कॉलेज में हुए बिल्डिंग घोटाले का पर्दाफाश करें, वुमेन्स कॉलेज में ड्रेस घोटाले का पर्दाफाश करें, कॉपरेटिव कॉलेज में बिल्डिंग और कंप्यूटर लैब में जो घोटाला हुआ उसका पर्दाफाश करें, ग्रेजुएट कॉलेज में शिक्षक क्लास को छोड़ के अभाविक की राजनीति करते हैं उनका पर्दाफाश करें, वर्कर्स कॉलेज में जो पुराना बिल्डिंग है वो अभी तक ठेकेदार के द्वारा हैंडओवर नहीं दिया गया है, अवैध रूप से कक्षाएं वहां पर चल रही है उसकी जांच कराई जाए, एलिवेशन कॉलेज में खंडेलवाल जी के इसमें पुस्तक घोटाला हुआ था उसकी जाँच करवाई जाए। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में। हमने खास करके जो बदलाव किया है बच्चों को देखते हुए यहाँ पे हमने 2 राइड्स चेंज किए हैं जो बच्चों के लिए हैं। एक बुगी ट्रेन है जो बच्चे काफ़ी पार्क में एंजॉय करते हैं, उस बुगी ट्रेन को हम लेके आए हैं नहीं पहली बार यहाँ पे। दूसरी के जो टॉय ट्रेन बोलते हैं, टॉय ट्रेन पहले भी लेके आए, इस बार भी हम नया लुक में लेके आए हैं जिसमें क्या है बच्चे उनके माता पिता के भाती इस साल क्या है कि काफ़ी चेंजिंग हम किया है इसमें। हमें उम्मीद है कि इस बार जो यहाँ के लोग हैं खरीदारी में कुछ ज्यादा ही उनको मदद मिलेगा। जहाँ मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतरराष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, डोरा डोरा, स्लम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटरबाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ।
हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहां ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। पूरनमल अग्रवाल, पूरनमल अग्रवाल जहां है साड़ियों का संग्रह बेमिसाल। जी हां, हर अवसर शादी ब्याह पार्टी हर मौके के लिए पूरनमल अग्रवाल में है आपकी पसंद की लाजवाब साड़ियां। वेडिंग साड़ीज, बनारसी साड़ियां, डिजाइनर साड़ियां, फैंसी साड़ियां, कांजीवरम, सुपर नेट, कॉटन, जयपुरी, तांत, प्योर सिल्क के साथ साथ मनमोहक डिजाइनों और आकर्षक रंगों में लहंगा चुन्नी की विशाल रेंज। और साथ ही पुरुषों के लिए है शानदार रेमंड्स के सूटिंग शर्टिंग। पूरनमल अग्रवाल जो वर्षों से आपके विश्वास की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आपको शानदार वस्त्रों से सजाया है। पूरनमल अग्रवाल, शॉप नंबर 2728 साक्षी बाजार जमशेदपुर, फोन 2435138 और 9431329002। गोलछा साड़ी सेंटर, गोलछा साड़ी सेंटर अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आए। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार जुगसलाई जमशेदपुर। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास, राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCV, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोशकार लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-654-3741, मोबाइल नंबर 0980-149-5586 और 0997-377-0707। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन झारखंड की आर्थिक राजधानी जमशेदपुर का एक ऐसा गांव है जहां आज भी लोग अपने बेटे की शादी में बारात के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। बारात अगर जाना हो तो एक दिन पहले बैलगाड़ी सजती है और उसके बाद दूसरे गांव में बारात पहुंचती है। इतना ही नहीं, शादी भी पुराने रीति रिवाज से होता है और दुल्हन को भी बैलगाड़ी वाली डोली पर बिठाकर विदा किया जाता है।
जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि बैल भगवान शिव की सवारी है और शादी में भगवान शिव की सवारी को काफी शुभ माना जाता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जिस बारात में भगवान शिव की सेना नहीं हो वो बारात शुभ नहीं होता, इसलिए बैलगाड़ी का उपयोग यहाँ किया जाता है। वैसे समय बीतता गया पर समय के साथ अगर नहीं बदला तो धालवमगढ़ के सुलडी सोए गांव की परंपरा। इस गांव के रहने वाले राजकुमार हांसदा की शादी 8 किलोमीटर दूर केनबनी गांव में तय हुई। वैसे इस गांव की परंपरा है कि शादी लड़के की हो या लड़के की, डुगडुगी बजाकर ही लोगों को न्योता दिया जाता है। ठीक सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा को जीवित रखते हुए राजकुमार के परिवार वालों ने 2 दर्जन बैलगाड़ी की व्यवस्था की और गांव से बैलगाड़ी पर बारात निकाला। बैंड बाजा भी बैलगाड़ी पर, बाराते भी बैलगाड़ी पर ही बैठे। वहीं नाचते गाते झूमते बाराती 8 किलोमीटर दूर केनबनी गांव पहुंचे। पुराने रीति रिवाज को बचाए रखना और पूर्वजों के धरोहर को संजोना इस गांव के लोगों की पहली प्राथमिकता है। वैसे जब दूल्हे से बात की गई तो दूल्हा का सीधे तौर पर कहना था कि पर्यावरण को बचाने के लिए मोटर कार का उपयोग नहीं किया जाता है और ऐसे ये हमारी पुरानी परंपरा भी है। उन्होंने कहा कि पूर्वजों द्वारा सैकड़ों साल से इस परंपरा का निर्वहन होता आया है तो हम क्यों ना करें। खैर, बात परंपरा की हो या पर्यावरण को दूषित होने से बचाने की, लेकिन इतना तो जरूर है कि बैलगाड़ी से बारात जाना इसका आनंद ही अलग है। वैसे अब एक दिन में शादी कर लोग वापस लौटते हैं, लेकिन इस गांव में आज भी मर्याद रखने की परंपरा है, यानी कि 3 दिनों तक बारात लड़की वाले के यहाँ रहता है और उसके बाद लड़की को विदा किया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई का असर इस परंपरा पर नहीं पड़ता। जैसे कि जन्म मेरा मेरे गांव में ही हुआ है और शहर में रह के मैं पला बड़ा हूँ, तो साथ ही साथ जिंदगी काफी बदलती हुई जा रही है। पहले शहर में कुछ और था, अभी और कुछ हो गया है। तो जितने भी हमारे सभ्यता संस्कृति है, हमारे पूर्वज है, हमारे घर में भी जो भी विवाह संपन्न हुआ है वो बैलगाड़ी से ही हुआ है। ये हमारा एक तरह का प्रतीक माना जाता है, काफी शुभ माना जाता है। और मैं आशा कर रहा था कि अपने शादी में भी इस तरह का उपयोग करूंगा और इसमें काफी हद तक सफल होने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी उद्देश्य के साथ मैंने 11 बैलगाड़ियों के साथ अपने विवाह के लिए एक दल बनाया है। और जमशेदपुर में झारखंड खादी बोर्ड द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत ग्रामीण क्षेत्र की 20 महिलाओं का प्रशिक्षण शुरू किया गया। बिष्टुपुर स्थित झारखंड खादी प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में ग्रामीण क्षेत्र की 20 महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खादी बोर्ड के सदस्य कुलवंत सिंह बंटी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और खादी बोर्ड के सदस्य मौजूद थे। प्रशिक्षण शिविर के बारे में जानकारी देते हुए कुलवंत सिंह बंटी ने कहा कि ये प्रशिक्षण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को झारखंड खादी बोर्ड द्वारा दिया जा रहा है। 6 माह तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद झारखंड खादी बोर्ड के द्वारा महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सिलाई मशीन के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध खादी बोर्ड कराएगी। वहीं पूरे जिले में कई केंद्रों पर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 300 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने का काम खादी बोर्ड के द्वारा किया गया है। इसी कड़ी में ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। ये प्रशिक्षण शिविर खादी बोर्ड के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाए, महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो, तो उसी का एक शुरुआत हम लोगों ने की है। वैसे हम लोगों ने 2017-18 में लगभग 310 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। अभी जमशेदपुर में बहुत दिनों बाद फिर से प्रशिक्षण देने का काम, फॉर्म भरे थे उन्हें हम प्रशिक्षित करने का काम आज से उसकी शुरुआत हो रही है। यहाँ बिष्टुपुर में और घोड़ा बांधा में दोनों जगह मिलाकर, और आने वाले दिनों में गोबरघुसी और बागबेड़ा दोनों जगह में हम लोग और लोगों को भी जोड़ेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित हो सके। और जमशेदपुर के हररगुट्टू काली मंदिर परिसर में यूथ डिबेट सोसाइटी के आह्वान पर साइबर क्राइम से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी ने साइबर क्राइम से किस तरह से बचना है और किस तरह से लोगों को जागरूक करना है इस पर कई टिप्स दिए हैं। वर्तमान समय में लोग साइबर क्राइम की चपेट में आकर बुरी तरह से आर्थिक रूप से बर्बाद होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, साइबर क्राइम की चपेट में आकर अपराधी बहुत आसानी से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर निकल जा रहे हैं।
कहा जाए तो इस समय पुलिस प्रशासन से लेकर आम नागरिकों के समक्ष साइबर क्राइम चुनौती बनकर खड़ा है। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सामाजिक संस्था यूथ डिबेट सोसाइटी के द्वारा एक जागरूकता शिविर लगाया गया, जहां स्थानीय महिला पुरुषों के अलावा छात्र छात्राएं भी मौजूद थे, जिन्होंने साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी व इससे किस तरह से निपटना है इस पर महत्वपूर्ण टिप्स अधिकारियों से लिए। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा पिछले 2 वीक से एक मुहिम चलाई जा रही है, जो साइबर क्राइम से कैसे बचे इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग स्कूल में कॉलेज में जा कर के इसका बता रहे हैं, 1.5 घंटे का एक वर्कशॉप टाइप कर रहे हैं। उसी मिशन में यहाँ एक संस्था है, उनके द्वारा बताया गया था कि यहाँ भी कराया जाए ऐसी कार्यशाला, तो इसमें हमारे लोग हम लोग आज वहीं कर रहे हैं। इसमें साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने ऑफेंस हैं उसे कैसे बचा जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, स्पेशली टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। और झारखंड बार काउंसिल के सदस्य चुने जाने पर जमशेदपुर के सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन ने सभी सदस्यों को फूल माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर सदस्य सह पूर्व झारखंड बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल ने कहा कि राज्य भर के अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड बार काउंसिल आगे भी सभी अधिवक्ताओं के लिए काम करेगा। झारखंड राज्य बार काउंसिल का चुनाव संपन्न हुआ है और राज्य से 25 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। उसी क्रम में आज सेल टैक्स बार एसोसिएशन ने हम सब के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया है और वही कृतज्ञता ज्ञापित हम लोग कर रहे हैं सभी जिला बार एसोसिएशन सेल टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का, जिनके समर्थन से आज हम निर्वाचित हुए हैं और जो दायित्व हम सबको मिला है पूरी मजबूती के साथ राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तत्परता के साथ, पूरी कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ हम काम करने का प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में। और जो आशाएं अपेक्षाएं अधिवक्ताओं को हमसे हैं, हमारे सदस्यों से हैं। और जमशेदपुर के करंडी स्थित जिला कृषि कार्यालय में किसान कल्याण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आए भारत सरकार के प्रतिनिधि सिद्धेश्वर चक्रवर्ती, रुचिन गुप्ता मौजूद थे। इनके अलावा जिले के उपायुक्त अमित कुमार, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, जिला परिषद अध्यक्ष बुल्लू रानी सिंह, घाटशिला के विधायक लक्ष्मण टुडू और कई गणमान्य लोग इस कार्यशाला में शामिल हुए। वहीं इस कार्यशाला में काफी संख्या में किसान भी पहुंचे और केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही किसान से संबंधित सभी योजनाओं से किसानों को यहाँ पर अवगत कराया गया। वहीं दिल्ली से आए प्रतिनिधि और जिले के उपायुक्त और सांसद ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही कृषि से संबंधित सभी योजनाओं के बारे में किसानों को विस्तार से समझाया। हो जिसका कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके, तो इसी उद्देश्य से 8 अलग अलग दिवस मनाए जा रहे हैं, जिसमें आज का दिवस जो है वो कृषक के रूप में मनाया जा रहा है। कृषक कल्याण, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे भारत देश कृषि प्रधान देश है, हमारी अधिकतर जनता जो है कृषि पर आधारित जीवन जीते हैं, कृषि ही हमारी अर्थव्यवस्था की और हमारे जीवन की आधारशिला है, नींव है, तो इसलिए कृषकों का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। कृषक जो है हमारा इस क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में या भारत के अधिकतर क्षेत्रों में कृषि जो है वो जनरली ये होती है कि साल में एक बार धान की फसल उगा लिया और फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं, उसके बाद सालों भर हम वही धान खाते खाते जीवन बिताते हैं और इस कारण से हमारा जो जीवन स्तर है वो ऊपर नहीं उठ पाता है। वहीं सरायकला खरसावां जिले के सरायकला सामुदायिक भवन में किसान कल्याण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने किया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए किसानों को उपायुक्त ने कृषि के अलावे आय के लिए अन्य सुझाव भी दिए। वहीं उपायुक्त ने उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित भी किया। साथ ही उपायुक्त ने पशुपालन और डेयरी उद्योग के क्षेत्र की संभावना से भी किसानों को अवगत कराया। उपायुक्त ने किसानों को आय बढ़ाने के लिए हर संभव सरकारी सहयोग का भी भरोसा दिलाया है। ये लोग आपको बताएंगे कि कृषि के अलावा आप सबको तो ये भी आवश्यक है कि आप अपने कृषि को डाइवर्सिफाई करें, सिर्फ चावल की खेती ना करें, साथ में पशुपालन भी करें, कुछ बकरी कुछ गाय का पालन करें, ताकि आप उसके से उस
उसका मार्केटिंग भी कर सकते हैं, उससे भी आप उसको कुछ आपको बाजार से कुछ मूल्य मिल सकता है, आप उसके दूध को बेच सकते हैं, आप अगर मुर्गी पालन कर रहे हैं तो आप विदेश से भी आप कुछ आय दे सकते हैं। सिर्फ धान की खेती करके आप चाहेंगे कि हमारा आय बढ़े, ये पॉसिबल है, लेकिन इसमें कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। आप रबी फसल की खेती कर लेते हैं, इसके अलावा पशुपालन या गौ विकास के माध्यम से आप कुछ कैटल रेयरिंग करते हैं, उससे भी आपको कुछ समय पर आपको उससे लाभ मिल सकता है। एक बार फिर यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है, इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया, इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले, घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जा जी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती। गोलछा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं हमारा नया शोरूम बाजार गोलछा, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा। गोलछा रेडीमेड सेंटर, वाजिब दाम में मिले सामान अच्छा। जी हाँ, यही तो है गोलछा रेडीमेड सेंटर। गोलछा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं अ यूनिक एसी गारमेंट मॉल इन हार्ट ऑफ सिटी। गोलछा रेडीमेड सेंटर, जहाँ आधुनिक फैशन और डिजाइन की हर वैरायटी उपलब्ध है आपके पूरे परिवार के लिए। गोलछा रेडीमेड सेंटर, अ मल्टी ब्रांड गारमेंट शोरूम, जहाँ आपको मिलेगा लेडीज के लिए कुर्ती, लहंगा चुन्नी, फैंसी और कामदार रेडीमेड सूट एवं सूट पीस, लेगिंग्स, जींस, टॉप, जेगिंस, ट्राउजर, टी शर्ट, शर्ट। गोलछा रेडीमेड सेंटर में मिलेगा आपको जेंट्स के लिए जींस, पैंट, ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर और साथ साथ दूल्हे राजा की शेरवानी। इतना ही नहीं, अगर अपने घर को देना है नया लुक और सजाना, गोलछा रेडीमेड सेंटर जरूर आना। बाजार गोलछा, करे आपके सपनों को साकार, फिर देर काहे की सरकार, आज ही पधारें बाजार गोलछा। हमारा पता, पहला और दूसरा तल्ला, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा, जमशेदपुर, 0657229093। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक,
पिछले 30 वर्षों से नंबर वन आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657-2438-616, 983-555-1212, 943-111-3166। प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं, ये विचार संपूर्ण विज्ञान भित्तिक है। हमारा ये विचार से मैरिज, एडुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। मैं अनेक जटिल का जे गेचिला वहां किसी प्रॉब्लम नहीं है, किंतु कोनो सफलता पाई नहीं। जब থেকে মাধব বাবু কাছে গেছি তবে থেকে অনেক সফল লাভ হচ্ছে। আমার মেয়ে দিয়ে ছেলে চাকরি সবকিছু তো অনেক ঠিকঠাক, উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সফল হয়েছে। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिले और सभी परेशानियों से निजात पाए। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874482680, 9430715730, 9709052086। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर की छात्रा शैली कुमारी को उसकी पढ़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैश्य एकता मंच ने 1,46,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य एकता मंच ने शहर की छात्रा शैली कुमारी को 1,46,000 की राशि उसकी आगे की पढ़ाई के लिए प्रदान की है। चेक की राशि शहर के विकास आयुक्त बी महेश्वरी प्रसाद ने अपने हाथों से प्रदान की। वहीं इस बाबत जानकारी देते हुए अंतर्राष्ट्रीय वैश्य एकता मंच के अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल ने बताया है कि छात्रा को यह राशि उसके आगे की पढ़ाई के लिए समाज द्वारा प्रदान की गई है, ताकि ये मजदूर की बेटी आगे चलकर शहर व देश का नाम रोशन कर सके। बेटी इंजीनियर बन गई है, उसका लास्ट सेमेस्टर का फीस जमा करने के लिए हमारे IPF की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन से 1,46,000 का और DDC महोदय के हाथ से उनको सपोर्ट किया जाएगा, ताकि वो ये परीक्षा दे के और अपना ये इंजीनियर बन के, और उसके कई जगह कॉलिंग भी आ गए हैं, ये तो साबित कर दे कि मजदूर की बेटी पढ़ने में अव्वल हो तो समाज उसके साथ है और वो पढ़ के अपना चमकता हुआ सितारा दुनिया के बीच में आए। बहुत हेल्प की है मुझे मेरी पढ़ाई को लेके। फर्स्ट ईयर में मेरी मम्मी ने बहुत सारे जगह घूमी, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से हेल्प मांगी, बट किसी ने मदद नहीं की। लास्ट में थक हार कर एक पेपर आर्टिकल में मम्मी ने पढ़ा था और बहुत ने सजेशन दिया था, वैस इंटरनेशनल फेडरेशन में जाओ, उनके अध्यक्ष से मिलो और बात करो। तो मेरी मम्मी इनके पास गई मदद मांगने के लिए, तो फिर उससे जब मदद मांगी उसी 2 घंटे के बीच में ही इन्होंने मेरी फर्स्ट ईयर की फ़ीस जमा कर दी। कितना फ़ीस जमा किया था? 1,00,000 था फर्स्ट ईयर में। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में भी बहुत सारी जगह घूमने पर किसी ने हेल्प नहीं की, तो फिर इन्होंने ही फिर मदद की। और छात्रवृत्ति राशि छात्र छात्राओं को अब तक आवंटित नहीं करने के विरोध में AIDSO छात्र यूनियन ने जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस बाबत जानकारी देते हुए AIDSO के संगठन के सदस्य रिंकी बंसीलाल ने बताया है कि छात्रवृत्ति राशि अब तक आवंटित नहीं होने से ग्रेजुएट कॉलेज के आवेदनकर्ताओं का कॉलेज का सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं के साथ साथ ग्रेजुएट कॉलेज की छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मांग को लेकर वे लोग जिला उपायुक्त कार्यालय पर 1 दिवसीय प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में मांग पत्र सौंप रहे हैं। आज हम लोग BEd के और साथ ही स्कॉलरशिप से मुद्दों को लेकर के हम लोग लगातार जो हमारे DSO के बैनर तले हम लोग आंदोलन करते आए हैं, इसी के लिए हम लोग DC महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। इस बार जो सत्र 2017-18 का अब तक जो छात्रवृत्ति का भुगतान होना था अभी तक नहीं हुआ है, और आलम यह है कि जो फोर्थ सेमेस्टर हैं उनका जो एडमिशन फीस लगता है, जितने भी छात्र छात्राएँ हैं
समस्त जितने भी कॉलेज बीएड के जो छात्र छात्राएं हैं वे असमर्थ हैं अपना फीस भरने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे ज्ञापन के साथ ये अपील करने आए हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो है छात्रवृत्ति हमें दिया जाए। अयोध्या पूर्वी सिंहभूम जिले में उत्क्रमित मध्य विद्यालय परसुडी को दूसरे स्कूल में विलय करने का विरोध ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक महिला ने बताया है कि परसुडी के तिलकागढ़ में एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय है जिसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। उस विद्यालय को वहां से अवतरित कर कहीं दूर ले जाया जा रहा है जिसका वे लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से वहां पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को काफी दूरी का सामना करना पड़ेगा जिसके कारण वे इतना दूरी तय नहीं कर पाएंगे। अतः वे लोग जिला उपायुक्त से मांग करते हैं कि उक्त स्कूल को दूसरी जगह स्थानांतरित न करके वहीं पर चलने दिया जाए। हमारे तिलकागढ़ में प्राथमिक मध्य विद्यालय है जिसे बंद किया जा रहा है, जिसमें कि उसमें बहुत सारे गरीब बच्चे लोग पढ़ते हैं हमारे वहाँ के, जिनके माता पिता घर पे नहीं रहते हैं, ड्यूटी चले जाते हैं, तो बस्ती पे स्कूल है तो बच्चे लोग उनको सुविधा होता है आने जाने में, या घर भी सामने है और जहाँ पे स्कूल लेके जा रहे बच्चे लोग उनको वहाँ पे जगह भी ठीक नहीं कि बच्चे लोग कैसे जाएंगे, और स्कूल भी छोटा है। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 47 है। कितने टीचर है स्कूल में? टीचर में 2 टीचर है। कहाँ पे है ये स्कूल? तिलकागढ़ में, परसोडी तिलकागढ़। अब भेजा कहाँ जा रहा है? गोबरा टोला, वो भी परसोडी में ही आएगा बट थोड़ा दूर है। और सरायकला जिले के आदित्यपुर में सामाजिक संगठन जन कल्याण केंद्र के द्वारा माता का जागरण आयोजित किया गया। जन कल्याण केंद्र के अध्यक्ष नव निर्वाचित वार्ड पार्षद रंजन सिंह के द्वारा डब्लू टाइप मैदान में माता के जागरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इस मौके पर यहां आदित्यपुर नगर निगम के नव निर्वाचित मेयर विनोद श्रीवास्तव, डिप्टी मेयर बॉबी सिंह के अलावा नव निर्वाचित वार्ड पार्षद रंजन सिंह का अभिनंदन स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। वहीं स्थानीय कलाकारों द्वारा माता की स्तुति करते हुए एक से बढ़कर एक भजन की प्रस्तुति भी दी गई। वहीं इस कार्यक्रम का लुत्फ भक्तों ने देर रात तक उठाया। मंगलवार रात शबे बारात के अवसर पर जमशेदपुर के मानगो जाकिर नगर कब्रिस्तान में इस्तेमाई दुआ का आयोजन किया गया जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी ने इस दुआ में शामिल होकर अमन चैन की दुआएं मांगी। मानगो जाकिर नगर कब्रिस्तान में इस्तेमाई दुआ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चे बूढ़े जवान सभी ने मिलकर अमन चैन की दुआ मांगी। जिन लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं है उनके लिए भी खास ग्रुप से दुआ मांगी गई। इस बाबत जानकारी देते हुए कब्रिस्तान के कमेटी के सदस्य मतलब अनवर खान ने बताया है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानगो जाकिर नगर कब्रिस्तान में इस्तेमाई की दुआ का आयोजन किया गया। जाकिर नगर कब्रिस्तान में कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से इस्तेमाई दुआ का रखा गया था, उन लोगों के लिए रखा जाता है जिनका इस कब्रिस्तान में कोई नहीं है, और ये कब्रिस्तान कमेटी हर साल मगरिब के नमाज के बाद इस्तेमाई दुआ करते हैं। इसमें मदीना मस्जिद के खतीब और मुफ्ती साहब थे, आपके बगान शाही के मौलाना इमाम साहब थे, मौलाना इफ्तिखार साहब चंचल साहब थे, और हमारे कमेटी के तमाम लोग और तमाम बासिंदे मानगो के आजाद नगर के जहाँ के भी लोग आए और इस्तेमाई दुआ किए और उन मरहूमों के लिए किए और जाकिर नगर कब्रिस्तान में उनके लिए दुआएं की गई। हुसैनी मिशन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा शबे बारात के अवसर पर जमशेदपुर के साक्षी जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान में जाने वाले लोगों के लिए सहायता शिविर का आयोजन किया गया था। साक्षी कब्रिस्तान में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शबे बारात के अवसर पर अपने बुजुर्गों को याद करते हुए उनके कब्रों पर चादर पोशी की और रात जागकर अमन चैन के लिए दुआ की। इस अवसर पर हुसैनी मिशन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से शबे बारात के अवसर पर शाही जामा मस्जिद के पास राहगीरों के लिए और कब्रिस्तान में आने जाने वाले लोगों के लिए सहायता शिविर का आयोजन कर चना गुड़ शरबत का वितरण किया गया। वहीं इस अवसर पर साक्षी के थानेदार मदन मोहन शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस बाबत जानकारी देते हुए वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव SM हैदर ने बताया है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सहायता शिविर का आयोजन किया गया है। के दिन हम लोग यहाँ पर लोगों के बीच शरबत, चाय, पानी वगैरह तकसीम करते हैं और आज की रात लोग जागते हैं, इबादत करते हैं पूरी रात मस्जिद में, यहाँ से कब्रिस्तान जाते हैं, यही हम लोग का ये है। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। MDTV नरेंद्रन ने दिया इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी को अवार्ड।
राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कंबल घोटाला मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग। पूर्वी सिंहभूम जिले के बरसोल में हाथियों ने मचाया आतंक, वृद्ध महिला को लिया अपनी चपेट में। और जमशेदपुर के जुगसलाई खडगेश्वर धाम मंदिर को असामाजिक तत्वों ने बनाया निशाना, पुलिस जुटी जांच में। इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। हमारे शो के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप सब तक तमाम जानकारियां पहुंचें, सही इन्फॉर्मेशन पहुंचें, ताकि आप भी अपनी डायबिटीज की बीमारी को मैनेज कर सकें, कंट्रोल कर सकें, इनफैक्ट डिफीट कर सकें। हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे शख्स, एक ऐसे एक्सपर्ट, एक ऐसे डॉक्टर जो सालों से इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। सालों की कड़ी तपस्या के बाद आज वो इस बात को प्रूव कर दिखा चुके हैं कि डायबिटीज को डिफीट किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ देश के नंबर वन लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर जी की। डॉक्टर जी वर्ल्ड फेमस लाइफस्टाइल डॉक्टर और फेमस डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपने डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में 16 सालों से भी ज्यादा समय तक रिसर्च की है और ये रिसर्च एडवांसमेंट के लिए अभी भी जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर जी को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लोगों को बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए डॉक्टर जी वेलनेस की प्रोफेशनली ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड टीम हमेशा तत्पर रहती है। इन्होंने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए हैं जो आज की लाइफस्टाइल में डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं। इसमें शामिल हैं डायबेट प्लस, डायबेटॉल और स्वीट जॉय। फोन उठाइए, जो नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं उन्हें डायल कीजिए एंड आई विल गेट यू कनेक्टेड विद डॉक्टर जी। वेल डॉक्टर जी, आपके ढेर सारे पेशेंट्स हैं, हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं, कुछ नए कुछ पुराने, जो आपसे ढेर सारे सवाल करना चाहते हैं, तो कुछ ईमेल्स के जरिए हम तक पहुंचे हैं। तो आज मैं चाहती हूं कि कुछ व्यूअर्स की ईमेल में पढ़ूं, तो इजाजत है? जी बिल्कुल। हमारे फर्स्ट पेशेंट हैं जिनका नाम है अमरदीप कुमार और वो लिखते हैं कि माय एज पे 1C इज 8, आई एम अंडर ट्रीटमेंट ऑफ अ डायबिटोलॉजिस्ट एंड शी इज गिवन मी OHD, प्लीज एडवाइस करें। तो अमरदीप सिंह जी, आपको सबसे पहले अपने ब्लड शुगर लेवल्स को 120 के नीचे करना पड़ेगा और जिसकी इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी, सिर्फ HbA1c का दिया। दोस्तों, हमेशा HbA1c के टेस्ट को 3 महीने में जरूर कराएं और उसके लिए आप हमारी ट्रीटमेंट को फॉलो करें, एक्सरसाइजेस के बारे में जरूर जानें, किसी भी तरह की एक्सरसाइज जरूर करें, वॉक से स्टार्ट करें, या अगर वॉक से रिजल्ट्स नहीं आते तो उसके अंदर हम हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जैसे आपको बताते हैं उसको कीजिए, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, कैलिस्थेनिक्स की तरफ खास ध्यान दीजिए, पुशअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस, डिप्स। और याद रखिए कि अगर आपको अपनी डायबिटीज को सही तरीके से मैनेज करना है, उसको हराना है, तो आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स की तरफ ध्यान देना होगा जैसे कि एसेंशियल विटामिंस, मिनरल्स, एंटीऑक्सिडेंट्स और जो हर्ब्स जो आपकी इंसुलिन को सेंसिटाइज करते हैं और वहां से आपकी अंदरूनी रिपेयर शुरू करते हैं, एज कंपेयर टू OHD जो सिर्फ आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कम करते हैं। उसके लिए मैं रेकमेंड आपको करूंगा, चॉइस आपकी है कि डायबिट प्लस लें, डायबिटॉल लें, स्वीट जॉय का इस्तेमाल करें, शुगर ना लें, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को अवॉइड करें, सबके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और जब आपको रिजल्ट्स मिले तो हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वेल डॉक्टर जी, हमेशा की तरह आपसे बात करते करते समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता, बट थैंक यू सो मच फॉर सच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड योर वैल्यूएबल प्रेशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी है db@drgwellness.com, हमारी वेबसाइट है www.drgwellness.com। आप हमारे प्रोग्राम्स YouTube पर भी देख सकते हैं और आप हमसे Facebook, Twitter, Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं।
डॉक्टर जी वेलनेस की फ्रेंचाइजी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए fr@drgwellness.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। डॉक्टर जी के साथ जुड़ने पर आपको मिलेंगे हमारे फूड सप्लीमेंट्स डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय, और डायबिटीज केयर के लिए डायबिटिक डाइट प्लान, डायबिटिक रेसिपीज और डायबिटिक एक्सरसाइज प्लान। इसके साथ साथ हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स और डाइटिशियंस 24/7 आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आप भी डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय मंगाकर पा सकते हैं भरोसा अच्छी सेहत का और दृढ़ निश्चय डायबिटीज को डिफीट करने का।